आप सभी 22 मार्च 2021 से ये न्यूज़ जरूर सुन रहे होंगे कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस है जो वो अपनी 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम से जो उनकी मैच्योरिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, टेन्योर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिनकी मैच्योरिटी अप्रैल 2021 में होने वाली है। इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, ऑब्वियसली है कुछ इन्वेस्टर्स को थोड़ी कम नॉलेज होती है तो वो जो है डर जाते हैं कि उनकी अगर फंड हाउस की तरफ से बात कह देगी कि मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करना चाहिए तो वो जो है मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड कर दी गई और उनकी जो मनी है अब मैच्योरिटी डेट के बाद ही मिलेगी। तो जो 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स हैं उनके नाम स्क्रीन पर आप एक बार देख लीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. और description में भी मैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज में जो भी बात कही गई है, न्यूज जो भी फंड हाउस की तरफ से दी गई है उसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करने की प्रेस रिलीज में बात कही गई है उसका क्या रीज़न है और क्या इन्वेस्टर्स को बेनिफिट के लिए बात कही गई है और इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, अगर करवाना चाहिए तो कैसे करवाएंगे और अगर नहीं करवाया तो क्या होगा उसके बारे में आज हम डीपली जानेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 22 मार्च को आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया कि जो फंड हाउस है अपने 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स हैं जो उनकी जिनके जो टेन्योर है मैच्योरिटी कंप्लीट होने वाली है अप्रैल 2021 में और जो स्कीम लॉन्च हुई थी जनवरी टू मार्च 2018 में स्कीम जो है लॉन्च हुई थी उनकी जो मैच्योरिटी है अब अप्रैल 2021 में कंप्लीट होने वाली है तो इन्वेस्टर्स को जो मनी लुटाने का टाइम आने वाला है। तो अब फंड हाउस क्या चाहते हैं कि जो मैच्योरिटी डेट है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, बट ऐसा फंड हाउस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि फंड हाउस ने बोल दिया तो एक्सटेंड कर देगी। इसमें इन्वेस्टर्स की जो राय होगी वो भी ली जाएगी, उनके जो ऑप्शंस होंगे वो जैसा भी चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो स्कीम्स हैं जब से लॉन्च हुई हैं यानी कि जनवरी टू मार्च 2018 से जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स हैं उन स्कीम्स की जो एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स रही हैं वो रही हैं 7.3% से लेकर 7.8% तक की जो है एनुअल एवरेज रिटर्न्स रही है। तो अब जानते हैं कि फंड हाउस है जो क्यों चाहता है कि जो फिक्स मैच्योरिटी है 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स की उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आइए हम जानते हैं कि फंड हाउस है क्यों चाहते हैं कि मैच्योरिटी डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। तो देखिए बॉन्ड डील्स के बारे में अभी आप सब जानते होंगे, यूएसए की बॉन्ड डील्स अभी काफ़ी चर्चा में चल रही हैं और हर एक इन्वेस्टर का जो ध्यान है वो बॉन्ड यील्ड्स पर ही जा रहा है और थोड़ा इम्पैक्ट भी जो है मार्केट पर पड़ा बॉन्ड यील्ड्स की वजह से। तो जो फिक्स्ड में छोटी प्लान्स होते हैं जनरली बॉन्ड्स में ही डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्ड यील्ड्स के बारे में जान लेते हैं। बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम जो है बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं अपनी मनी तो हमें वहां पर जो है इंटरेस्ट बताया जाता है कि आपको जो है 4-5% तक का जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा। और ठीक इसी प्रकार अगर हम स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है रिटर्न्स के हिसाब से हमें देखते हैं कि हमें रिटर्न्स कितनी मिलने वाली है हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम जो है उसमें करते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी कंपनी इशू करती है बॉन्ड्स को उसकी तरफ से बताया जाता है कि अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको जो है इतनी यील्ड्स यानी कि इतनी यील्ड्स है जो आपको मिलेंगी। अभी हाल फिलहाल में नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का जो इशू ओपन किया गया था IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से और उन्होंने बताया था कि नियर अराउंड 10.something% की जो यील्ड्स हैं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और 87 मंथ्स में जो है आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा। बट जो थोड़े से रिस्क हैं वो भी क्रेडिट होते हैं, रिस्क जो है अटैच होते हैं बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने से। और जरूरी नहीं है कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं कि जिनमें जो है पक्की यानी कि एक श्योरली जो यील्ड्स हैं हमें मिलनी है, बट कुछ में जो है यील्ड्स हैं वो थोड़ी बहुत ही कम होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स लेवल्स के हिसाब से। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स हैं जो बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फंड हाउस का जो कहना है वो ये है कि जो अभी इंटरेस्ट जो स्कीम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही ड्यू टू बॉन्ड यील्ड्स लो होने की वजह से, तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है जैसे कि मैंने आपको बताया बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड में जो है यील्ड्स है स्कीम्स को कम मिल रही है तो ऑटोमेटिकली जो स्कीम्स की रिटर्न्स होंगी वो भी जो है कम होंगी। आपको बता दें कि जो अभी तक स्कीम में होल्डिंग्स हैं AAA PSU बॉन्ड्स की
छह फिक्स मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स में ट्रिपल ए पीएसयू बॉन्ड्स की होल्डिंग्स है, यानी कि पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है। तो ऐसे में अगर स्कीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, और जो इन्वेस्टर्स ने 3 साल के अपने लॉक इन पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करके भी रखी और इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न्स भी ना मिले, तो उसका फिर क्या बेनिफिट हुआ? तो इसलिए जो फंड हाउस का कहना है कि जो मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, बट फंड हाउस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया कि जो मैच्योरिटी डेट को है हर एक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं कि जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनकी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट है जो उनके टाइम पीरियड को टेन्योर को बढ़ा दिया जाए, वो जो है अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं नियरेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस में, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ऑफिस में, या फिर मेल डाल सकते हैं absl.mf.fmp@adityabirlacapital.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जो है फंड हाउस को मेल डाल सकते हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप फंड हाउस को बता सकते हैं। बट जो है मैच्योरिटी डेट के दिन 3 बजे से पहले जो है आपको मेल आईडी डालनी होगी, या फिर जो है नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जो है आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो अगर आप चाहेंगे कि आपकी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपकी जो मनी है इन्वेस्टर्स को लुटा दी जाएगी मैच्योरिटी डेट के दिन ही। तो अगर आप मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड करते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन दे देते हैं कि आपकी जो मैच्योरिटी डेट है, आपकी इन्वेस्टमेंट की टेन्योर है, उसको बढ़ा दिया जाए, तो वो जो मैच्योरिटी कंप्लीट होगी फिर 2022 नवंबर में से लेके अप्रैल 2023 तक है जो उनकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो सकती है। तो ऐसे में फंड हाउस की तरफ से इन्वेस्टर्स को ओपन रखा गया है कि इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फुल इंडिपेंडेंट है कि वो मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स अपनी डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे भी इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन फंड हाउस को देंगे, तो फंड हाउस वैसे ही इन्वेस्टर्स के साथ जो है उनकी रिक्वेस्ट को आगे कंप्लीट कर देंगे। तो हम बात करें कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट क्या होंगे कि अगर वो मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवाते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट उनको ये होगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट है जो वहाँ पर उनको मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो उनको वहाँ पर वो वाला बेनिफिट भी मिलेगा। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि यील्ड्स हैं बॉन्ड्स की वो काफ़ी कम हुई है, लो यील्ड्स बॉन्ड्स की तरफ से मिल रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छी बॉन्ड की तरफ से यील्ड्स हैं जो दी जाए अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से जो है बॉन्ड की यील्ड्स जो है काम ऊपर नीचे होती रहती है। तो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अभी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वो फुली इंडिपेंडेंट है डिसीजन में, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा एक्सपर्ट की मदद के हिसाब से कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ए सुब्रमण्यन जी जो कि CEO है आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से सरप्लस लिक्विडिटी जो है सिस्टम को कॉर्पोरेट बॉन्ड सिस्टम को जो है दी गई है। तो आने वाले टाइम में नियरेस्ट टर्म में जो है हो सकता है कि जो रिटर्न्स हैं यील्ड्स हैं बॉन्ड की तरफ से अच्छी मिलने लग जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स अगर जो है एक्सटेंड करते हैं अपनी मैच्योरिटी डेट को, तो हो सकता है कि उन्हें अच्छी रिटर्न्स जो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से उनको अच्छी रिटर्न्स मिल जाए। और जो उनका कहना है कि प्लस इन्वेस्टर्स को इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी जो है बेनिफिट मिलेंगे अगर मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवा लेते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं चाहते हैं कि अपनी मनी को वापस रिडीम करना चाहते हैं, एक्सटेंड नहीं करना चाहते अपनी मैच्योरिटी को, तो वो अगर नहीं चाहते तो उनकी जो मनी है मैच्योरिटी डेट के दिन इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दी जाएगी। तो ठीक है, आप मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैं आपको खुद नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवा लीजिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर जो है अपनी एक्सटेंड ना करवाइए। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी आप जैसे जानते भी होंगे कि आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स भी बन रहे हैं, डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग जो है इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर, सेविंग अकाउंट्स को छोड़कर, PPF को छोड़कर जो है डायरेक्टली जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड करवाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी जो है इंटरेस्ट ले रही हैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हो सकता है आप अपनी
सीजन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, तो वो आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप जरूर कर सकते हैं। और बात करूंगा यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।